हाय दोस्तों, वेलकम टू फारी टिप। आज आप बहुत एक लजीज खाना देखेंगे जो सिंपली बनता है। हम लोग बहुत जानते हैं ना कि बिरयानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत इजीली इसको मॉडिफाई किया है, इजीली आप बना सकते हैं। जो बैचलर है, जो अकेले रहता है, उसके लिए ये जो बिरयानी है बहुत मतलब सिंपल तरीके से हम बनाने के लिए कोशिश किया है। लेकिन आपको इस चैनल में जुड़े रहना होगा, क्योंकि इस चैनल का मसाला टाइप का है। सब टाइप का मसाला मिलेगा, सब टाइप का टेस्ट मिलेगा। हम आपको टेस्ट दिलाने का वादा करता है। प्याज काटना होगा, सब मिर्ची, बस ये ज्यादा हो जाएगा तो इसको रख देता हूँ। चिकन को अच्छे से धो लिया हूँ नमक से, क्योंकि नमक से आप धोने से आपको एक फायदा है, जो चिकन का पिछला भाग है वो बहुत जल्दी कट जाएगा और चिकन जो है बस। तो अभी हम चिकन को यहाँ पे देते हैं, शॉर्टकट एकदम पर शॉर्टकट में आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो सब है तो इसमें ये सब दे देना होगा। यहाँ दे दिया है, ओके। अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ये भी दे दिया हूँ, साथ में और थोड़ा सा देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें थोड़ा सा नमक दिया हुआ है तो ये दे दिया हूँ। और ये हल्दी आप दे भी सकते हैं, अगर व्हाइट बिरयानी बनाना चाहते हैं तो हल्दी मत दीजिएगा। तो मैं व्हाइट बिरयानी नहीं बनाना चाह रहा हूँ। ये जीरा पाउडर, एक स्पून ले, एक हैंडमेड मसाला, इसमें यही थोड़ा सा खासियत है, ये मैंने दे दिया। दे दिया हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, ऐसा इसमें हाल लाते हैं, इसको बहुत इजीली बना देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी बस, नहीं काफ़ी है बस। और इसको मैं चढ़ा दिया हूँ इसमें, तो मिक्स करके तो अभी ये बना दीजिए। बस पानी सूख जाएगा तो ये चिकन हो जाएगा। अभी हम लोग को जो करना है वो है जो राइस है, वो राइस को प्रोसेस करना है। प्रोसेस हो गया, चावल एकदम पूरा बासमती राइस पानी से अच्छे से धो लेंगे। टेस्ट के अनुसार अभी हम नमक देंगे। अभी इसमें जो डाला जाएगा दालचीनी है, इसको दे देता हूँ। इलाच है, इलाच को देना है ताकि चावल को खुशबू आए। इधर सब चीज़ का चीर के देना है ताकि पूरा खुशबू आ सके। घी इसमें दे दिया, राइस के साथ ये घी मिक्स हो जाएगा और एक खुशबू क्रिएट करेगा। क्योंकि क्या मसला है, चिकन अभी पानी सूखा नहीं है, पानी सूखने से। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऑलवेज कुछ ना कुछ वीडियो लाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, मज़ा आएगा आपको खाने में ना। आपका पूरा हेल्दी खाना बनाने का मैं वादा करता हूँ, आपको हेल्दी खाना मैं दूंगा बना करके। समय दीजिएगा साथ में रहने का, ज़रूर हम साथ में बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अभी देखिए ये सिंपल बिरयानी कैसे बनता है, और इसको बनाने का उतना मतलब कठिन कुछ नहीं है, आसान है, और आसान तरीके से हम आपको दिखाएंगे। चिकन दोस्तों हो गया है, इसको ज़्यादा करने से ये टूट जाएगा, तो जब बनेगा तब तक टूटा हुआ दिखेगा। तो अभी इसको रहने देते हैं, ये तो जब दम होगा तब तो और भी मतलब नरम हो जाएगा। तो इतना नरम करने से चिकन को भी इसमें डाल देते हैं।
काजू और किशमिश रहेगा आपके पास, तो इसमें थोड़ा सा काजू और किशमिश डाल दीजिए। अभी मेरे पास काजू किशमिश नहीं है। देखिए राइस हो गया, देखिए ऐसा जो मतलब आधा कच्चा है आधा पक गया ऐसा कंडीशन में हो गया। तो इसको हम पानी को निचोड़ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, होने के बाद इसको हम इसमें डाल देंगे, डाल के उसको कुकर में हम दम लगाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे, ये हाथ में बना हुआ मसाला है, ये रोज वाटर है, केवड़ा वाटर है। थोड़ा सा घी, थोड़ा सा व्हाइट ऑयल दम लगाएंगे 2 सीटी, तो 100% आपको टेस्ट लगेगा। ज्यादा ऑयल ज्यादा स्पाइस देने का कोई जरूरत नहीं है। जो खाना बनता है वो मतलब थोड़ा सा टाइमिंग का अगर ठीक ठाक रहेगा तो आपका खाना बहुत तेज अच्छा बन सकता है। तो आप क्यों स्पाइसी बनाएंगे, क्यों इतना ऑयली बनाएंगे। मैं फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दिया हूँ ताकि ज्यादा हीट जनरेट होगा तो नीचे लग सकता है, मतलब जल जाएगा, तो थोड़ा सा हीट को कम कर दिया हूँ। 2 सीटी लग चुका है, अभी मैं बंद कर देता हूँ। अभी प्रेशर में कुछ टाइम रहने दीजिए। चलिए देखते हैं फिर। चलिए आप भी ऐसा करके बनाइए, थोड़ा टेस्ट करता हूँ कैसा है आपके सामने। दोस्तों एक बार बना के देखिए तब पता चलेगा। हम ऐसा आपको बोलने से तब कैसे टेस्ट महसूस होगा आपको, लेकिन मुझे जो टेस्ट लगा है ये आपको बयान मैं कर सकता हूँ कि बहुत लजीज हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और ऐसा करके आप बनाकर खाइए, आपको जरूर मजा आएगा। और ऐसा मजेदार वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए।